नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ बानी जी हैं जो हरियाणा से हैं। इनसे जानते हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था को ये कितने समय से जानती हैं और क्या मानती हैं, कैसा माहौल है, कितनी आस्था आज जी रखती हैं उनके ऊपर। नमस्कार बानी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत। और बिना कहने दिया बेटी, कितने समय से आ रहे हो आप डेरा सच्चा? हमने 15 साल हो गए बेटी। कितना विश्वास करते हो गुरु जी? पूरा विश्वास से बेटी। जो बड़े मस्ताना जी ने वचन करे थे ना, उन बस तनाव चाल रही गुरु जी। उसने कही थी तीसरी वो दिमाग है, रोज की तो नई नई ड्रेस बदलेंगे और इतनी संगत हो जाएगी, थाली फटेंगे तो संगत के ऊपर के जाएंगे। जो ये फिल्म दिखाई है ये सब जब तक कोई नहीं समझा था कि हे गुरु जी एक्टर बन गया, न्यू बन गया, ये सब किस्म दिमागी पहले करके दिखा जो होना था वो गुरु जी आने ये नहीं कर रहे। ये और दो बैठे ना बड़े मस्ताना जी शासक नाम जी, ये बोल रहे यो किसी का सरकार का बनाया और बनाना बेटी, कोई यो लिख पढ़ के इसे पास हुआ ना इंटरव्यू दे कर ना, मालिक का बनाया खुद खुदा से, इसमें कोई कमी नहीं। जितना भी करे है भाई पब्लिक के लिए अच्छा कर रहा है, बुरा नहीं कर रहा है। हानू जो है दुनिया में से बात जी छठवा वैसे है, गुंडागर्दी छठवा वैसे तो वो तो दुखी से ना ही कमान छोड़ कर ना, जो अच्छे काम लग रहे हैं वो आज बहुत पिछता रहे। गुरु जी आ जा ऐसे पुकारे है। पेड़ पौधे भी जी जंतर भी जितना करता है बेटी बहुत बढ़िया काम करता है, अच्छाई का करता है। इस पर इतनी दुनिया ने नाम ला लिया, मैं फिर भी गुस्सा नहीं आया, फिर भी उन्हें कहता शांत रहो, सब वो काम होगा, मालिक करेंगे वो जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। दूसरी तरफ ये बेटी कहने लग रहे जी के नशेबाज जी छटवा, उनके काम धंधे बंद हो गए, फैक्ट्री बंद होगी, उन्नति से इसे पकड़ कर गुरु पर इंतजाम लगवा दिए, अपने अंदर नहीं जाते। मेरे में कितनी कमी मैं नहीं बताऊंगी, और बता देंगे नहीं, हाँ तेरे में इतनी कमी ना, बदनाम करेंगे ना, अच्छाई में नहीं लाओगे बुराई में लाओ, जितनी भी हो सके। कुलजग से बेटी हो, कुलजग आ रहे हैं टीवी में भी दिखाया जा रहा था बहुत अलग 4 साल पहले। हाँ ये बेटी मैं तो बोल रही हूँ, तू मन के बेरा मेरी क्या करना क्या आगे बता देगी, मन के पता मैं तो अपनी जान मादा बोल लूँगी, तू मेरे तो जड़ है मैं तेरे तो जड़ हूँ, ऐसा करके नर गुरु जी तक मकड़ी वाला दाल बिछा दिया, फंसा दिया हमारा गुरु जी। क्या आज जरूरत है गुरु जी की? हाँ हमारी बहुत जरूरत है बेटी, जब से वो नहीं है 4 सालों से, तो क्या प्रभाव पड़ा है समाज हमारे पे? हर एक चीज पर प्रभाव पड़ गया बेटी, कटिया हमने तो दुखी हो रहे हैं, हैरान हो गया हम तो घर में बैठ कर, मालिक बना मालिक बहुत कुछ कर रहा है। इस पर कुछ नहीं इंतजाम वाले नहीं लग गएंगे बेटी, नहीं लग गएंगे। क्या मांग करोगे सरकार से, क्या मांग करोगे? सरकार तो यह मांग है, सरकार जब बनी ना जब इसके दौर आए थे, सरकार नहीं थी, हमने सरकार तक कोई लेना देना नहीं, हम सुनते हैं, हम तो अच्छी बात करेंगे अच्छी करेंगे। आप गुरु जी के लिए क्या कहोगे सरकार से? सरकार तो हम तो नहीं कहेंगे, सरकार ने जी जो गलती से बात हो रही से बात हमने काट दी, आगे का तो इसने सावधान काट दो, संगत भी तड़फे गुरु भी दुखी संगत में ना, संगत भी दुखी जी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लगातार हमारे साथ बुजुर्ग लेडीज भी जुड़ रही हैं जो बता रही हैं कि संत जी ने समाज के लिए इतने काम किए हैं। जो लोग नहीं चाहते समाज से नशा दूर हो, जिन लोगों के समाज में नशा ना बिकने से धंधे बंद हो रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने संत जी को फंसाया है। ये लगातार पब्लिक बता रही है और अपील कर रही है कि संत जी समाज में वापस आने चाहिए। आप भी अपनी राय डालते रहिए, देखते रहिए द फैक्ट आई और सच का साथ दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत